पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जब भी सोलन आए तो जिलावासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देकर गए। आज वह तो नहीं आए, लेकिन उनकी अस्थियों का कल सोलन के कुमारहट्टी में लाया गया। जब वीरभद्र सिंह सोलन आते थे, उनका ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों लोग स्वागत करते थे। आज भी सैकड़ों लोग पहुंचे, लेकिन सभी के चेहरे उदास थे। सभी ने उन्हें आज अंतिम श्रद्धांजलि दी और कलश को छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को आज सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह हिमाचल की एक महान शख्सियत थे, आज वह हमारे बीच नहीं है, जिसकी वजह से सारा प्रदेश दुखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता तो वीरभद्र सिंह को प्यार और स्नेह करते थे, लेकिन अन्य दलों के नेता भी उन्हें बेहद पसंद करते थे। आज स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो कि 6 बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज उनका अस्थि कलश जो है वो यहाँ आया है और सभी लोगों को एक यहाँ शोक सभा भी जो है आयोजित हुई है। सभी पार्टी के लोग और सभी संप्रदायों के लोग जो हैं इस शोक सभा में सम्मिलित हुए हैं और मुझे भी आज यहाँ आने का अवसर मिला और अपने उद्गार जो है राजा साहब के प्रति प्रकट करने का मुझे अवसर भी मिला। एक महान शख्सियत जो है हम सबके बीच में से चली गई है। वो महान राजनेता तो थे ही थे, लेकिन एक महान इंसान भी थे। मैं समझता हूँ उनके चले जाने से उनके दल के लोग तो शोकाकुल ही हैं, लेकिन उनका प्यार स्नेह और उनकी जो फॉलोइंग थी वो अक्रॉस पार्टी लाइन जो है वो रही है। अन्य दलों में भी उनको चाहने वाले लोग थे और आज भी यहाँ पर जो है सब दलों के लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके चले जाने से निश्चित तौर से सब लोग शोकाकुल हैं, गमगीन हैं। और अब इसके बाद जो है यहाँ इस समारोह का जो है अभी यहाँ पर समापन हुआ है और इसके बाद उनके अस्थियाँ जो हैं वो हमारी जो कौशल्य खड्ड है यहाँ पर वो प्रभावित जो है वो की जाएंगी, उसमें भी काफ़ी लोग शिरकत करेंगे। मैं राजा साहब को अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके पार्टी के लोगों को ये आघात जो है सहन करने की और उनके परिवार के लोगों को ये आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करें।